यहाँ पर आ गए हैं पुलाव खाने के लिए, और ये साथ में मंडी भी लगी हुई है, तो अनम कह रही थी मंडी का व्लॉग बना लेते हैं। और अशर भी है, अलीजा भी है। अनम कह रही है इस दफा कैटल फार्म के मैंने व्लॉग इतना कम रिकॉर्ड किया। फैंस बोल रहे हैं अनम तुमने कैटल फार्म का व्लॉग क्यों नहीं बनाया। मुझे बकरी मिला, मैं बहुत मस्त हूँ। हमारा पुलाव आ गया और ये मेन्यू है। हमने मंगवाया 1 किलो पुलाव और ये नली मंगवाई हमने। लग रहा है पुलाव तो रायता बहुत थिक भी है। हम ऐसे ही आ गए थे, हमें असल में जाना था रज्जा में, तो हमने बोला चलो हम भूख लग रही है हम पुलाव खाने चलते हैं, तो इधर ये करीब में यही था। हाँ नली कैसे निकाल, ऐसे कब नली निकलती है, मैं कह रही हूँ करके उसको करो मतलब ये उसको क्या है वो पटको उसको पटको। ये क्या था, चलो भाई खा, चलो मैं हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। इधर दिखा ना, कह रही थी ऐसे ही डालेंगे ना, ऐसे ही करो एक दफा में आ जाएगी बात। चावल है, चावल जैसे खाते हैं ना नली वली खाते, कितना भारी हो जाता है ना। मैं बहुत देर थी बिरयानी किया, ये मैंने दो नलियाँ खा ली, मुझे कौड़े का गुला डाल के दिया, बेसन डाल के दिया था क्या, मतलब मैंने बोला ये 1 किलो बंदा अकेले खा लिया। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है भैया, बस उसने सारी वो जो है ना, कैसा है नली के साथ खाए नहीं, बहुत तोड़ के नली वली नहीं अच्छी लगती, मतलब नली के बगैर ही सही लगता मुझे, तो मुझे नहीं पसंद है। मैं तो खैर ये पाए शाये खा लेती हूँ, पाए वगैरह तो मैं भी खा लेती हूँ। अलग के हिसाब से पुलाव अच्छा है क्योंकि बोनलेस है ना। हाँ मुझे भट्टी वाला गोश्त नहीं पसंद, चिकन में भी बीफ में भी मटन बताओ क्या कह रहे हो। अच्छा इसका रेट दो ना, रेट करो 10 out of 10 कितने दोगे, आउट ऑफ 10 8 तुम, मैं भी 9 दे दूंगी क्योंकि डिफरेंट था। गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये हमारी दूसरी ट्रे है, ये पता नहीं शायद छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन ये ट्रे टाइप है, प्लेट से बड़ा साइज है, प्लेट तो ही है ज़्यादा टंडी। हाँ थाल टाइप है ये, तो ये हमारा दूसरा है, हमने तकरीबन 1.5 किलो खा लिया,
माशाल्लाह हमारी भूख ज़्यादा थी अनम ने और इन तीनों ने ज़्यादा खाया, मैंने तो मैं बेचारी नली निकालने निकालने में ही रह गई। खैर आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, मैंने एड्रेस वगैरह आप लोगों को समझा दिया। येलो कलर का बोर्ड है वो सब मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, ये मेनू वगैरह सब दिखा दिया है। रीजनेबल रेट्स हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, हमने उसको रेट किया है 9/10। बाकी अगर नमक वगैरह ने कुछ कहना है, अशर ने बहुत अच्छा लगा है, अशर ने बहुत खाया, बताओ क्या कह रहे थे, पोस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीट अच्छा है, मीट बड़ा अच्छा था, सॉफ्ट था, मीट अच्छा था, क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। अच्छी मैं चाह रहा था आप लोगों को बोन वाला बहुत अच्छा नहीं लगता था, ये बोन स्मॉल पीसेस के वगैरह कट हुए थे, तो और सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना यहाँ पे भी अच्छी है, बाहर भी बैठ सकते हैं अंदर भी बैठ सकते हैं, अच्छा सेटअप है, लाइट वाइट फैंस वगैरह, फैमिली एनवायरनमेंट है, आप आए आराम से बैठे बताएं और कैसा लग रहा है आपको वो हमें हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अनम को कुछ कहना है अनम बताइए आपको। तो आज का हमारा ये सुल्तान असल देखो बैठ कर खा रही नाम ही नहीं याद हो रहा है। तो यहाँ का था और हमें बहुत मज़ा आया और एक आउटिंग भी हो गई और थोड़ी थोड़ी बाहर बारिश भी हो रही है। और ये बनू कौन सी जगह है इसका हमें बताइएगा जरूर, कि हम लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट टाइम किया है। ऐसा लगा कि जो पुलाव का टेस्ट था ना बहुत चेंज था, मतलब नॉर्मल पुलाव की तरह ऐसा नहीं था, तो हमें मज़े का भी लगा। कराची आइसक्रीम खाए यहाँ पर, ये पेशावरी चलो ना, मेरा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का और चाय भी थी। हमने एंडिंग भी शूट कर ली थी, अब हमें यहाँ से आगे जा रहे हैं, गाड़ी पीछे पार्क की भी हमने, बहुत आगे आ रहे हैं हम लोग। चलो दुकान पर जाकर दिखाता हूँ भाई, अपने अपने उस पे अपने टाइम पे फुल येलो लाइट के सामने आकर रिकॉर्ड करवाया, हमारा ऐसे ही कर लिया। कराची आइसक्रीम फ्लेवर टेस्ट करने जा रहे हैं, मैं भी
टेस्ट कर कर देखते हैं। ब्राउनी फजी में ट्राई करके देखते हैं, बताते हैं। जोर से बोल। हाँ चल रहे बस। नहीं ना क्यों अंदर हम जाते हैं। चलो अंदर जाकर करते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम ट्राई तो की, यहाँ पर तो सारी आर्टिफिशियल फ्लेवर की। इससे पहले जब हमको कभी पर खाया है अपने घर के पास में, ये वाली इतनी अच्छी नहीं है। अब कराची आइसक्रीम का जैसे नाम है, हम लोग जो हुसैनाबाद की तरफ से खाते हैं उधर का बहुत अच्छा होता है, उधर का बहुत सही है। मैंने नहीं खाया, मगर मेरा सबसे मीठा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात ये है यार, हमारी मैंगो सीजन में मैंगो नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। रश भी बहुत है ना, रश भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मौसम असल में बहुत अच्छा हो रहा है। बाहर ना बारिश हो रही है, और ऐसा आपने सिर्फ अपने आप को दिया जब बार बार कैमरे में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश होनी चाहिए। खैर अब अच्छी बात ये है कि हमारी पार्टी हो रही है अशर की तरफ से, आइसक्रीम पार्टी। अशर मांग मांग कर खा रहे हैं, लेकिन दूसरों की अशर कह रहे बस मैंने खिलाई है तो मैं भी खाऊँ। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अलाउ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।